तो गाइस हम सबको विलेजेस को लूटना काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि उसके अंदर से हमें इजीली काफी सारा खाना एंड साथ ही कुछ चेस भी मिल जाती है जिसमें हमें कभी कभी कुछ अच्छी चीजें एंड हमेशा बुरी ही चीजें मिलती है। लेकिन क्या हो अगर हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड ही विलेज हो, यानी कि हम जहाँ तक भी देखे हमें सिर्फ और सिर्फ विलेज ही नजर आए, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। एंड हमें ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव करना है 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। बट मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड तगड़ा नेथरेट का आर्मर बनाना है। सेकेंड, मुझे माइनक्राफ्ट के दोनों बॉस यानी कि एंडर ड्रैगन और विदर को हराना है। एंड आखिर में इन विलेजर्स को जलाने के लिए मुझे अपने लिए एक तगड़ा वाला कासल बनाना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इन विलेज ओनली वर्ल्ड, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एक विलेजर की छत के ऊपर एंड मैं देख पा रहा था कि मेरे आसपास यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ विलेज ही विलेज था। हाँ, क्योंकि ये विलेज ओनली वर्ल्ड है। एंड छत से उतरते गाइस मैंने देखा कि इस वर्ल्ड में एक सबसे बेस्ट चीज थी जो कि थी यहाँ पे भर भर के काफी सारा खाना, क्योंकि यहाँ पे हमें लिटरली खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली थी। इसलिए मैंने ऐसे एक एक करके सारे हेबेल्स को कलेक्ट कर लिया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे विलेजर का घर मिला जिसके अंदर मैं जा ही रहा था कि तभी गाइस मैंने देखा कि इन्होंने तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। भाई मनाही कर देते, इस तरीके से बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। बट फाइनली आगे मुझे यहाँ पे ढंग का घर मिला जहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसमें से मुझे काफी सारे पोटेटोस, एप्पल्स, कुछ सैपलिंग्स और बुक मिल गई। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे अजूबा देखने को मिला। सबसे पहले तो ये फार्म हवा में था, ऊपर से पानी भी नीचे नहीं गिर रहा था। भाई माइनक्राफ्ट वाले क्या नशे कर रहे हो। एंड अब बारी आ चुकी थी अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बनाने की। एंड यहाँ पे एक पेड़ भी था। बट भाई विलेजर के घर से जो लॉक चुराने में मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ से एक एक करके काफी सारे लॉक्स को चॉप कर लिया अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बनाने के लिए। एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने सबसे पहले अपने लिए वुडन की पिकएक्स और एक वुडन की एक्स बना दिया। एंड साथ ही मेरे पास काफी सारे हेबल्स थे तो उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे वीड्स बना लिए। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए जो कि मेरे लिए अभी के लिए मोर देन इनाफ थे। Nice. And तभी गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे अंबानी जी, नहीं अदानी जी का घर मिल गया जिसके अंदर से हो सकता है हमें काफी तगड़ी लूट मिल जाए। एंड अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे चेस्ट मिली जिसमें से लिटरली गाइस मुझे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आर्मर एक्सेप्ट हेलमेट नहीं मिला, बाकी मुझे सारी चीजें काफी सारे ब्रेड्स और एप्पल में मिल गए। मतलब भाई मैंने अभी तक सिर्फ एक घर को लूटा, मतलब एक घर से सामान लिया और मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा आर्मर आ चुका है। सोचो मैं और भी घर को लूटूंगा तो क्या होने वाला है। कुछ नहीं, बस कूड़ा ही मिलने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी रात हो चुकी थी इसलिए मैं यहाँ पे एक घर में चले गया था सोने के लिए। बट भाई इस बंदे ने तो घर की खेती बना के रखा था। एंड उसके बाद मैंने उसको उठाया एंड मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होती गई मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ और ब्रेड्स और एप्पल्स मिल गए। एंड अब मुझे आयरन की जरूरत थी अपना पूरा आयरन का आर्मर कम्प्लीट करने के लिए। एंड मैं विलेजेस को लूट सकता था बट भाई इस बंदे को मार के जो आयरन लेने में मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसलिए उसके पास जाके बड़े प्यार से मैंने उसके एक टपली दिया और उसके बाद मैंने उसको फोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि वो मुझे थोड़ा बहुत आयरन दे सके। बट उसको मारते मारते मेरी एक्स टूट चुकी थी इसलिए उससे मुझे जो भी आयरन मिला उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक नई आयरन की एक्स बना लिया। एंड क्या पता मेरे पास ऑलरेडी काफी सारा खाना था बट मैं स्टिल जो शिप्स को मार के अपनी आयरन की एक्स की धार चेक करने लग गया। थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे फिर से एक देव मानुष का घर मिल गया जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे गए जहाँ से मुझे एक हेलमेट, एक आयरन की स्वॉर्ड और कुछ और एप्पल्स मिल गए। एंड इसी के साथ गए फाइनली अब अपना फुली आयरन का आर्मर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे लाइब्रेरियन का घर मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से थोड़ी बहुत बुक्स उठा ले अपनी इंचेंटिंग करने के लिए। बट भाई इन्होंने तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक करके रखा था, लेकिन हम भी तो शाणे हैं। मैंने यहाँ पे अपना रास्ता खुद बनाया एंड लकीली मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत बुक्स मिल गए जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपनी ओपी वाली पार्कोर स्किल दिखाते हुए मैं यहाँ पे विलेजर की छत से आगे की तरफ बढ़ने लग गया। तुमसे ना हो पाएगा। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे दो विलेजर दिखे जो कि ऐसे गहरी डिस्कशन कर रहे थे जैसे कि ये साल कौन इलेक्शन में खड़े होने वाला है। भाई इनसे फालतू सारी चीजें करवा लो, बस इनको काम करना ही नहीं होता है। जैसे मुझे देखो, मैं कितना काम करता हूँ। क्या मतलब मैं भी फालतू, गजब बेइज्जती है। एंड तभी मुझे यहाँ पे दो प्यारे प्यारे हॉर्स दिख गए जो कि बिल्कुल प्यारे नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको टेम कर लिया जाए। इसलिए मैं इनके लिए थोड़े बहुत वीट कलेक्ट करके लेके आया और उसके बाद मैं इनको खिलाने लग गया ताकि मैं दोनों में से किसी एक को तो टेम कर लूं। बट भाई ये दोनों तो इतने ज्यादा भूखे निकले, मेरा पूरा का पूरा वीट खा लिए बट भाई टेम होने का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। बट स्टिल मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी, मैंने फिर भी उनको थोड़ा बहुत खाना और खिलाते गया और उनके ऊपर बैठने का ट्राई किया। भाई ये लोग इतने बेकार थे, मुझे बैठने तक नहीं दे रहे थे। गुस्सा आया एंड मैंने दोनों को पीट दिया। भाई मेरा ही वीट खा के मुझे ही बैठने नहीं दे रहे थे।
थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक और एक वेपन स्मिथ का घर मिल गया, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे गए, जहाँ से मुझे एक आयरन की पिकैक्स, एक आयरन के बूट्स, एक ब्रेड और एक एप्पल मिल गया। एंड अब इस विलेज ओनली वर्ल्ड में आए गए तो फायदा तो उठाना बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक करके सारे वेपन स्मिथ को ढूंढने लग गया ताकि वो मुझे काफी सारा सामान दे सके, स्पेशली डायमंड्स। एंड आगे मुझे पे एक और एक वेपन स्मिथ के घर से चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे थोड़ी बहुत ऑब्सीडियन, एक गोल्ड, कुछ ब्रेड्स और सैडल मिल गए। एंड चलते चलते मैं यहाँ पे स्प्रूस वाले बैंक में पहुंच चुका था, जहाँ पे मुझे यहाँ पे एक और एक वेपन स्मिथ का घर मिला। एंड हो सकता है गाइस यहाँ पे अपने को डायमंड्स नहीं मिलेंगे भाई, बट हम हार बिल्कुल नहीं मानेंगे, हो सकता है हमें यहाँ पे डायमंड्स मिल जाए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं यार, सिर्फ आयरन और ब्रेड ही पड़े भाई, सिर्फ डायमंड से तो मांग रहा हूँ, वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ दो स्टैक दे दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एंड ऐसा गाइस मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मुझे यहाँ पे स्प्रूस बाय में एक आर्मर स्टैंड पे चेस्ट प्लेट मिला है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड देन मुझे यहाँ पे एक अनोखा वेपन स्मिथ का घर मिला, जिसका आधा दरवाजा तो जमीन के अंदर था, एंड अंदर की बात ना ही करे तो ही अच्छा है, बट भाई काफी दिनों की मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ढंग का वेपन स्मिथ मिल चुका था, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स, कुछ ऑब्सीडियन और कुछ गोल्ड मिल चुके थे। गाइस मैं आजकल देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, एंड हाँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ऐसा मत करो यार, ऐसी वीडियोस बनाने बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो। एंड हाँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मुझे फिर से यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का घर मिला, जो कि इसी की तरह फालतू था, क्योंकि यहाँ का भी रास्ता ब्लॉक ही था। भाई लूटने देना मत दो, बट ऐसा दरवाजे से भागना जरूरी है क्या? एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे थोड़ी बहुत ऑब्सीडियन, कुछ गोल्ड, कुछ पिकैक्स, कुछ ब्रेड्स और कुछ और आयरन मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और स्प्रूस वाले वेपन स्मिथ का घर मिल गया, जिसकी चेस्ट में से मुझे फिर से डायमंड्स नहीं मिले। भाई तीन तीन चेस्ट प्लेट दे दिए, इतनी चेस्ट प्लेट का मैं करूंगा भी क्या, मेरे पास सिर्फ एक ही चेस्ट है। उसके बाद मुझे एक विलेजर का घर काफी ज्यादा पसंद आया, तो वहीं पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लगा दिया, और मैंने अपने लिए सबसे पहले एक चेस्ट बना लिया, जिसमें मैंने मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपने लिए शील्ड भी बना लिया, क्योंकि अब हम जाने वाले थे माइनिंग करने के लिए। एंड लकीली थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे काफी अच्छी सी केव मिल चुकी थी, जहाँ पे पहुंचते मुझे यहाँ पे सबसे पहले काफी सारा कोल मिल गया, जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड केव में थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत कॉपर एंड साथ ही भर भर के काफी सारा आयरन मिलने लग गया, जिसे मैंने एक एक करके माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैं जैसे यहाँ पे ऐसी माइन कर ही रहा थी कि तभी माइन करते करते गए मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक माइन शाफ्ट, यानी कि लूट ही लूट। एंड यहीं पर मुझे एक चेस्ट मिल गया, जिसमें से मुझे कुछ टॉर्चेस, कुछ कोल और एक नेम टैग मिल गया। मुझे ऐसे भर भर के काफी सारा गोल्ड मिल गया, जिसे मैंने माइन कर लिया, क्योंकि माइनशाफ्ट में तो गोल्ड की कमी नहीं होती है। एंड ऐसे ही गाइस मैं यहाँ पे आयरन माइन कर ही रहा था कि तभी मैं गलती से नीचे की तरफ गिर गया, एंड मुझे यहाँ पे नजर आ चुकी थी कुछ डायमंड, जिनको माइन करने पे यहाँ से मुझे एक ही बार में टोटल 5 डायमंड मिल गए। आगे मैंने यहाँ पे कुछ क्रीपर के धमाके किए, एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही मिला। यहाँ पे गोल्ड की तो कमी बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं यहाँ से एक एक करके काफी सारे गोल्ड को बटोरने लग गया। एंड तभी गाइस यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ चुका था मेरे से पीटने के लिए, तो मैंने बिना देरी करते हुए उसको पीट दिया, बट भाई यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे लाइन लगा के मेरे से पीटने के लिए, तो मैंने बिना देरी करते हुए उन सबको पीट दिया। माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करते करते आगे मुझे यहाँ पे कुछ और चेस्ट मिली, जिनको मैंने लूट लिया। एंड सारे लूट को कलेक्ट करके मैं फाइनली केव से बाहर आ गया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि हम जहाँ पे रह रहे वो काफी बेकार सी स्पॉट है, एंड वहाँ पे हम फ्यूचर में अपने लिए घर नहीं बना सकते थे। मेरे चेस्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था उसे मैंने अपनी इन्वेंटरी में ट्रांसफर कर दिया। जाते जाते मुझे यहाँ पे काफी सारे हेबल्स दिख गए, तो मैंने ऐसे काफी सारे खाना को कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैं ऐसे सीधा निकल गया एक प्लेन बायोम की तलाश में, जहाँ पे हम फ्यूचर में अपने लिए बड़ा सा घर बना सके। एंड चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे एक और एक वेपन स्मिथ का घर मिल चुका था, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे गाइस यहाँ से मुझे काफी सारे ऑब्सीडियन, कुछ टूल्स, एक चेस्ट प्लेट और कुछ ब्रेड्स मिल गए। एंड चलते चलते गाइस मैं यहाँ पे एक विलेज में पहुंच चुका था, जहाँ पे तो भाई यहाँ पे बाढ़ आ चुकी थी, यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बन चुका था, इसलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहाने लग गया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक अजीब और गरीब वेपन स्मिथ का घर मिल चुका था, जिसका तो भाई घर किसी और ने हड़प लिया था, मुझे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंड मुझे अपने लिए बकेट बनाना था, एंड लकीली मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम मिल गया, जिसको टपली देके मैंने उसे फटाफट से फोड़ दिया, ताकि मैं उसकी हेल्प से अपने लिए बकेट बना सकूं। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी आयरन था, मैंने जबरदस्ती उस आयरन गोलम को फोड़ दिया, एंड मुझे काफी ज्यादा बुरा भी लगा, तो मुझे उससे जो भी फूल मिला मैंने उसको लगा के अपने दुख को जाहिर किया। चलो बहुत हुआ नाटक, अब अपनी बकेट बनाते। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से सीधा निकल गया इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे एक छुपा हुआ रुइन पोर्टल मिल चुका था, एंड यहाँ पे एक चेस्ट भी थी, जिसको चेकआउट करने पे गाइस यहाँ से मुझे एक गोल्डन एप्पल, कुछ ऑब्सीडियन मिल गए। एंड इसी के जस्ट सामने यहाँ पे एक डेजर्ट बायोम भी शुरू हो चुका था। गाइस मुझे यहाँ पे काफी अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि मोस्टली जो है पानी के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए मैं उसके पास गया, वहाँ पे मुझे एक स्केलेटन मिला, मैंने सबसे पहले उसको फोड़ा, एंड यहाँ पे मैंने फटाफट से चेस्ट को
चेकआउट किया जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही मिला। एंड इसके जस्ट सामने गए मुझे एक वेपन स्मिथ का घर मिल चुका था जिससे मुझे फिर से उम्मीद नहीं थी कि मुझे डायमंड्स मिलेंगे भाई, उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। एंड इस डेजर्ट बैम में भाई मुझे काफी सारे वेपन स्मिथ का घर मिले जिसको मैंने चेकआउट करके जो भी मुझे लूट अच्छी लगी मैंने उनको कलेक्ट कर लिया। एंड तभी गए चलते चलते मुझे पे एक और एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हो सकता है ये एक डेजर्ट टेम्पल हो, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तोड़फोड़ करी। एंड लकीली ये एक डेजर्ट टेम्पल ही निकला। डेजर्ट टेम्पल के अंदर पहुंचते मैंने देखा कि यहाँ पे तो काफी सारे मॉब्स ने अपना अड्डा जमा के रखा था जिन्हें मैंने एक एक करके सबसे पहले निपटा दिया। सुबह डिक करते हुए मैं सीधा नीचे आ गया जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे शार्पनेस 3 की बुक मिली, दूसरी चेस्ट में से एक गोल्डन एप्पल, तीसरी में से कूड़ा, चौथी चेस्ट में से मुझे एक और एक गोल्डन एप्पल मिल गया। मैं जस्ट गया जहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी गया लकीली मुझे यहाँ पे एक और एक डेजर्ट टेम्पल मिल गया। तो भाई इसको भी तो लूटना बनता है क्योंकि हम फ्री का माल कभी नहीं छोड़ते। इसकी एक चेस्ट में से गए मुझे यहाँ पे एक सिल टच की बुक मिल गई। एंड दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सा प्लेन वाला एरिया मिला जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे अपना बेस बनाऊंगा एंड फ्यूचर में मैं यहीं पे अपना कासल भी बनाऊंगा। तो यहीं पे मैंने अपनी चेस्ट लगा के अपने सारे सामान को चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड साथ ही मेरे पास जितना भी बाकी का सामान था, बेड था, मैंने उन सबको भी लगा दिया। एंड मेरे ब्रेड्स भी खत्म हो चुके थे इसलिए मैंने अपने लिए कुछ ब्रेड्स भी बना लिए। फाइनली अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की, इसलिए मुझे जो भी ऑब्सिडियन मिले थे उसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लिया। एंड उसके बाद एक फ्लिंट स्टील बना के मैंने पोर्टल को लाइट अप भी कर दिया। एंड मैं पिटना बिल्कुल नहीं चाहता था इसलिए मैंने अपने लिए गोल्ड के बूट्स बना लिए। एंड सारे प्रिपरेशन करके मैं सीधा निकल गया नेदर में नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में स्पॉन होते गए मैंने देखा कि मैं लकीली काफी अच्छी जगह पे स्पॉन हुआ था जो कि थी मेरी फेवरेट बायोम जो कि थी क्रिम्सन बायोम। एंड यहाँ पे मेरे साथ एक और एक लकी मूवमेंट हो चुका था क्योंकि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक बैस्टियन मिल चुका था यानी कि और भी काफी सारा लूट। अंदर जाने से पहले मुझे अपने हथियार की जरूरत थी तो मैंने अपने बकेट में लावा को कलेक्ट कर लिया। बैस्टियन के अंदर पहुंचते गए स्टेयरकेस के पास मैंने यहाँ पे लावा डाल दिया एंड मुझे साउंड आ रहा था कि नीचे यहाँ पे सारे पिग्रिन्स मर रहे थे। पिग्रिन्स को निपटाने के बाद मुझे एक डबल चेस्ट मिल गई जिसमें से मुझे अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस मिला, कुछ गोल्ड मिले, आयरन के ब्लॉक मिले। इसके बाजू में भी यहाँ पे एक चेस्ट होती है जहाँ पे भी कुछ पिग्रिन्स थे तो मैंने एक एक करके सारे लावा की हेल्प से अपने पिग्रिन्स को जला दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे भी मुझे दो चेस्ट मिली जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे काफी सारे स्पेक्टेकल एरोज मिले, कुछ गोल्ड के बूट्स, ऑब्सिडियन एंड और भी काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिले। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रिज के पास पहुंच गया जहाँ पे पहुंच के मैंने बड़ी सावधानी से यहाँ से दोनों गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया। एंड बैस्टियन में थोड़ा आगे बढ़ते मुझे एक और चेस्ट मिली जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने आसपास कवर बनाया ताकि मुझे पिग्रिन्स ना मारे। एंड उसके बाद मैंने चेस्ट को चेकआउट किया जिसमें से मुझे यहाँ पे कुछ फालतू का सामान मिला। एंड उसके बाद मैं सीधा मेन माल के पास यानी कि नीचे आ गया। नीचे पहुंच के मैंने ऐसे एक ही करके सारे गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को लूटने के बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से गाइस मुझे काफी सारे डायमंड्स, एक नेदरराइट का स्क्रैप, काफी सारे एरोस और एक डायमंड की स्वॉर्ड मिली जिसमें मेंडिंग लगी हुई थी। भाई कम से कम शार्पनेस ही दे देते। एंड यहीं पर मुझे काफी सारे पिग्रिन्स दिख गए तो मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे एंड मैं कुछ गोल्ड लेके भी आया था उन सबका इंगट बना के मैंने उन सबको दे दिया ताकि वो मुझे जल्द से जल्द काफी अच्छा माल दे सके। एंड थोड़ा देर वेट करने के बाद गाइस फाइनली इनकी ट्रेड खत्म हो चुकी थी। एंड लकीली इन्होंने मुझे काफी सारा सामान दिया। फॉल इन्होंने मुझे 19 एंडर पोल दिए, काफी सारे फायर रेजिस्टेंस वाले पोशन दिए एंड और भी काफी सारे चीजें दिए जिसे लेके मैं सीधा आ गया अपने ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड पहुंच के गए मैं सबसे पहले अपने लिए काफी सारे आयरन की पिकैक्स बनाने लग गया क्योंकि अब मैं जाने वाला था एक तगड़ी डायमंड की माइनिंग करने के लिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने आप को फुली डायमंड में कवर कर सके। इस वाले बेस के पास भी मुझे केव मिल चुकी थी, मैं सीधा केव के अंदर चले गया। केव के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे कुछ मेहमान मिले जो कि मेरा स्वागत करने के लिए ऑलरेडी रेडी थे। एंड केव में आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ से भर भर के सबसे पहले काफी सारा आयरन मिलने लग गया जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड मैं चलते चलते एक रवीन में पहुंच चुका था जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे सबसे पहले काफी सारा कोल मिल गया जिसे मैंने माइन कर लिया जो कि अपने को स्मेल्ट करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। एंड ऐसी गाइस मैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा यहाँ पे स्पाइडर मरा जो कि अपने लिए डायमंड छोड़ के गया, तो मैंने ऐसे डायमंड को माइन कर लिया। एंड इस रवीन को थोड़ा एक्सप्लोर करते गए आगे मुझे यहाँ पे कुछ और डायमंड्स मिल गए जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड इसी रवीन में थोड़ा आगे बढ़ती गई मुझे यहाँ पे एक प्यारी सी एक्सोलॉटल दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रेस्क्यू कर लिया जाए, तो मैंने उसे अपने बकेट में कलेक्ट कर लिया। एंड आगे मुझे ऐसे थोड़ा बहुत गोल्ड मिल गया, मैंने गोल्ड को माइन कर लिया। ऐसे ही चलते चलते गए मुझे यहाँ पे एक एमेथिस्ट का जियोर्ड मिल चुका था। एंड ये गाइस काफी अमेजिंग सा एमेथिस्ट का जियोर्ड था क्योंकि मैं पहली बार ऐसा एमेथिस्ट का जियोर्ड देख रहा हूँ जिसके अंदर सारे जो शार्ट थे वो ग्रो थे, तो मैंने ऐसे कुछ शार्ट्स को ले लिया। एंड चलते चलते मैं यहाँ पे केव में आ चुका था जहाँ पे पहुंच के मुझे ऐसे एक ही बार में काफी सारे डायमंड्स मिल गए, मैंने उनको माइन कर लिया। एंड आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे काफी बड़ा सा लावा का पूल मिला जहाँ पे भी काफी सारे डायमंड्स एंड और भी काफी सारी चीजें थी, तो वहां से भी मैंने एक एक करके सारी चीजों को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली कई दिनों की माइनिंग करने के बाद टोटल 34 डायमंड्स के साथ मैं सीधा पहुंच चुका था अपने बेस पे पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उसे स्मेल्ट होते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक स्पाई ग्लास बना लिया। एंड गाइस आप में से बहुत से लोग मुझे Q&A करने बोल रहे थे एंड मैं भी सोच रहा हूँ Q&A करने का,
तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का। अगर आप 10,000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो मैं जल्द से जल्द एक Q&A का पोस्ट डाल दूंगा, जहाँ पे आप अपने तड़कते फड़कते क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना एंड जल्द से जल्द मैं उनके आंसर्स भी लेके आ जाऊंगा। के बाद में जितना भी डायमंड लेके आया था उसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले अपने लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर, अच्छे डायमंड की हेल्प से सारे डायमंड के टूल्स बना लिए एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया, बट अभी उसे मुझे मैक्स लेवल पे सेटअप भी करना था, बट मेरे पास कोई भी बुकशेल्फ नहीं थे। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना इस विलेज में जितने भी लाइब्रेरियन होते हैं उनके घर से जाके सारे बुकशेल्फ को लेके आया जाए एंड उसकी हेल्प से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल पे सेटअप कर लिया जाए। मैं एक एक करके सारे लाइब्रेरियन को ढूंढने लग गया एंड वहां पे पहुंच के मैं यहां से एक एक करके सारे बुकशेल्फ को कलेक्ट करने लग गया। सारी बुक्स कलेक्ट करने के बाद फाइनली मैंने अपने लिए काफी सारे बुकशेल्फ बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने पूरे एन्चेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल पे सेटअप कर दिया। मेरे पास एक एक्सोलॉटल भी थी तो मैंने उसके लिए अभी के लिए एक छोटा सा गड्ढा बना दिया एंड उसमें मैंने अपने एक्सोलॉटल को रख दिया। एंड अब मुझे एन्चेंटिंग भी करनी थी इसलिए मैं आ गया था नेदर में क्वार्ट्ज को माइन करके एक्सपीज कलेक्ट करने के लिए एंड मैंने ऐसे भर भर के काफी सारे क्वार्ट्ज को माइन कर लिया ताकि मुझे इनफ एक्सपीज मिल सके। इनफ एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले एक एक करके अपने सारे टूल्स को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मुझे लकीली काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई। और एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर को भी एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे लकीली मुझे प्रोटेक्शन जैसी काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई। इस साथ गाइस फाइनली अब अपना तगड़ा फुली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर भी यहाँ पे रेडी हो चुका था एंड काम करते करते मेरा सारा खाना यहाँ पे खत्म हो चुका था, इसलिए पास ही में मैंने यहाँ से काफी सारे हेबल्स को कलेक्ट कर लिया। अब बारी आ चुकी थी फोर्ट्रेस जाके ब्लेज रॉड लाने की, इसलिए मैं सीधा निकल गया एक फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। एंड तभी गाइस मुझे याद आया कि अगर हम अपने स्पाई ग्लास से घास को देखते हैं तो अपनी एक एडवांसमेंट कम्प्लीट हो जाती है, तो मैंने अपनी एक एडवांसमेंट कम्प्लीट कर लिया। के लिए अपने क्रिम्सन बायोम में थोड़ा आगे बढ़ते गए फाइनली मुझे यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुका था। बट भाई यहाँ पे भी मुझे एक अजीब और गरीब चीज देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे सारे पिग्रिंस विद स्केलेटन को मार रहे थे, अपना काम काफी ज्यादा आसान कर रहे थे एंड फोर्ट्रेस के अंदर पहुंचते मुझे ऐसे कुछ नेदर वॉट मिल गए, मैंने उनको कलेक्ट कर लिया पोशन बनाने के लिए। एंड आगे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे 3 गोल्ड मिल गए एंड आगे एक और चेस्ट में से गए जहाँ से मुझे 2 डायमंड 3 गोल्ड और 1 गोल्ड की चेस्ट प्लेट मिल गई। चलते चलते गए फाइनली मुझे एक ब्लेज का स्पॉनर भी मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने ऐसे एक एक करके सारे ब्लेजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे इना ब्लेज रॉड दे सके। कभी कभी एक ब्लेज को मारने पे मुझे डायरेक्टली 4 ब्लेज रॉड इजीली मिल जा रहे थे एंड साथ ही मुझे वेदर को भी हराना था जिसके लिए मुझे स्कल की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे वेदर स्केल्टन्स को मारने लग गया ताकि मुझे जल्द से जल्द स्कल मिल सके। बट भाई काफी देर कूटने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक वेदर स्केल्टन ने स्कल दे दिया, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया एंड ऐसे में आगे बढ़ते बढ़ते जो भी मुझे स्केल्टन मिलते जा रहे थे उसे मैं कूटते जा रहा था। कई दिनों की कुटाई करने के बाद टोटल 3 वेदर स्कल्स के साथ मैं सीधा निकल गया अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी और भी ज्यादा पावरफुल होने की, यानी कि अपने आप को फुल्ली नेथरेट में कवर करने की। एंड बेड को फोड़ना मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है एंड लकीली हम विलेज ओनली वर्ल्ड में थे तो यहाँ पे तो बेड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, तो मैंने यहाँ से एक एक करके काफी सारे बेड्स को कलेक्ट कर लिया। साथ ही मैंने कुछ फायर रेजिस्टेंस वाले पोशन बना लिए ताकि मैं लावा के डैमेज से बच सकूं, बट मेरी जो पिकैक्स थी उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम थी, इसलिए मैंने एक नई पिकैक्स बना के उसे एन्चेंट किया, जिसपे मुझे शील्ड टच ही मिला, इसलिए मैंने उसे वापस से डिसएन्चेंट करके एन्चेंट कर लिया। एंड मैं सीधा आ गया था नेदर में एंड नेदर में पहुंचते मैंने अपने पहले बेड को फोड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। बट 2-3 बेड को फोड़ने के बाद गाइस फाइनली मुझे अपना पहला एन्चेंट डेब्रिस यहाँ से मिल चुका था, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। ऐसे आगे मैं बेड्स को रख के फोड़ते जा रहा था एंड उसे मुझे जो भी एन्चेंट डेब्रिस मिलते जा रही थी उसे मैं एक एक करके कलेक्ट करते जा रहा था। कई दिनों की माइनिंग करने के बाद गैस टोटल 36 एंशियंट डेब्रिस के साथ मैं सीधा पहुंच चुका था अपने बेस पे। अपने बेस पे पहुंच के मैंने अपने एंशियंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड उन्हें गोल्ड में कंबाइन करके मैंने अपने लिए टोटल 9 नेथरेट के इंगट्स बना लिए, जिसे मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर और टूल्स पे लगा दिया। एंड इसी के साथ गैस फाइनली अब अपने पास एक तड़कता फड़कता फुली एंशियंटेड नेथरेट का आर्मर भी आ चुका था। अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की, इसलिए मैंने अपने लिए सबसे पहले काफी सारे आई ऑफ एंडर बना लिए एंड उसके बाद आई ऑफ एंडर फेंक के जैसे मुझे गैस डायरेक्शन मिल गई स्ट्रॉन्ग होल्ड की, मैंने बिना देरी करते हुए सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। काफी देर चलने के बाद मैं एक लोकेशन पर पहुंचा एंड जैसे मैंने आई ऑफ एंडर को फेंका मैंने देखा कि आई ऑफ एंडर जैसे इसके नीचे जा रहा है, तो मैं नीचे की तरफ डिग डाउन करने लग गया एंड कुछ ही देर डिग डाउन करने के बाद गैस फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। इससे थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे फाइनली यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने स्पॉनर को तोड़ दिया एंड उसके बाद एक एक करके सारे आई ऑफ एंडर को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। बाद बिना देरी करते हुए मैं सीधा निकल गया एंड में एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। और एक एडवांसमेंट होती है गाइस स्पाई ग्लास से एंडर ड्रैगन को देखने की, तो मैंने वो भी एडवांसमेंट कंप्लीट कर ली और इसके बाद अपने तगड़ी बो की हेल्प से मैंने एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्या पता गाइस एंडर ड्रैगन काफी ज्यादा फटकू था, थोड़ी देर के लिए बैठता था एंड जैसे मैं उसको मारने जाता था वो मुझे उड़ा के खुद भी उड़ जाता था। अपनी तगड़ी बो के निशाने से मैंने उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी थी।
ऐसी में उसकी कुटाई कर रहा था एंड वो मरने भी वाला था, बट एंड मोमेंट पे वो उड़ गया। एंड तभी मैंने निकाला अपनी तगड़ी वाली बो को, जिसकी हेल्प से गैस कुछ ही निशाने मारते ही फाइनली एंडर ड्रैगन ने अपना दम तोड़ दिया एंड हमने एंड को फ्री कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ से थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस बटोर के मैसेज निकल गया ओवर वर्ल्ड के लिए। एंड मेरे बो की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी थी एंड अब हम जाने वाले थे विदर को हराने के लिए, इसलिए मैंने अपनी बो को रिपेयर कर लिया। एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी माइन बना ली जहाँ पे मैं विदर को स्पॉन करने वाला था एंड मैंने उसके स्ट्रक्चर को बना दिया। एंड उसके बाद एक लास्ट कर लगा के गाइस मैंने फाइनली विदर को यहाँ पे स्पॉन कर लिया था। तो आप इंजॉय करो विदर के साथ मेरी फाइट को। एंड लिटरली गाइस पॉकेट में मारने में विदर को काफी ज्यादा टाइम लगता था, यहाँ पे तो मैंने चुटकियों में मार दिया। और उसके बाद अपने बेस पहुंचते मैंने सबसे पहले अपने लिए एक बीकन बना लिया। आने लगी गाइस अब बारी आ चुकी थी इन विलेजर्स को जलाने की, यानी कि इनके विलेज में एक तगड़ा सा कासल बनाने की। एंड कासल बनाने के लिए मुझे नॉर्मल स्टोन की जरूरत थी एंड लकीली मेरे पास सिल्ट टच वाली बुक थी जिसे मैंने अपने पिकेक्स पे कंबाइन कर दिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए एंड मैंने फाइनली अपने कासल को बनाना स्टार्ट कर दिया। कासल तो बन चुका था गाइस, लेकिन अभी मुझे बीकन बनाना था जिसके लिए मेरे पास थोड़ी सी आयरन की कमी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके जितने भी गोलम्स थे मैं उन सबको मारने लग गया एंड ऐसा करते करते मैंने यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक्स ऑफ आयरन बना लिए थे जिसे मैंने लगा के फटाफट से अपने बीकन को एक्टिवेट कर दिया। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज वो भी इस विलेज ओनली वर्ल्ड में। सो उम्मीद करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ अगर आपको Q&A चाहिए तो 10 की लाइक्स कंप्लीट करवा देना। सो मिलते गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।